हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया। तो आज हम देखेंगे कक्षा सात का महान व्यक्तित्व पाठ तीन। पाठ का नाम है राजा भगीरथ। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सारांश देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करती हैं सारांश। महाराज रामचंद्र से कई पीढ़ियों पहले अयोध्या में राजा सगर राज्य करते थे, यानी कि रामचंद्र यानी कि राम जी से पहले कई पीढ़ियाँ पहले अयोध्या में कौन राज्य करता था? राजा सगर। राजा सगर ने एक बार यज्ञ किया और अपने जी के प्रतीक के रूप में यज्ञ का घोड़ा छोड़ा। उस घोड़े को इंद्र ने पकड़ लिया। राजा सगर के पुत्र घोड़े को खोजने के लिए निकले, यानी कि घोड़े को तो इंद्र ने पकड़ लिया, तो जो राजा सगर के पुत्र थे वो घोड़े को खोजने के लिए निकल पड़े, परंतु घोड़ा उन्हें नहीं मिला। तब उन्होंने धरती को खोदना शुरू कर दिया। किन्होंने? तो उनके पुत्रों ने। अंत में वे एक स्थान पर पहुंचे जहां मुनि कपिल बैठे हुए थे और उनके निकट ही घोड़ा बंधा हुआ था। राजा सगर के पुत्रों ने मुनि कपिल को बहुत भला बुरा कहा। मुनि कपिल जो कि ध्यान में मग्न थे, उन्होंने घोड़ा को देखा तक भी नहीं था जो कि इंद्र ने घोड़े को लाया था। इसलिए जो राजा सगर के पुत्र थे उन्होंने समझा कि मुनि कपिल ने घोड़ा लेकर आए हैं, तो उन्होंने उन्हें बहुत भला बुरा कहा। इस पर क्रोधित होकर मुनि ने उन्हें वहीं भस्म कर दिया। इधर राजा सगर ने बड़ी प्रतीक्षा के बाद भी जब देखा कि उनके पुत्र नहीं लौटे, तब उन्होंने अपने दूसरे पुत्र को भेजा जो परिश्रम से वहां तक पहुंचा और घोड़े को वापस ले आया। अब भस्म हुए पुरखों को ताड़ने के लिए गंगा की आवश्यकता थी, यानी राजा सगर ने अपने दूसरे पुत्र को भेजकर घोड़े को वापस ला लिया था, लेकिन उनके जो पुत्र थे उनका भस्म अभी वहीं पर था। तो उनको, जैसा कि जब भी भस्म हो जाता है तो उसे गंगा जी में डाल दिया जाता है, गंगा में डाल दिया जाता है। तो अब बात थी कि गंगा की आवश्यकता होती है, क्या होती है? गंगा की आवश्यकता होती है, लेकिन गंगा को पृथ्वी पर कौन लाए? अंत में राजा के प्रपौत्र यानी कि पुत्र के पोते भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। प्रपौत्र कौन थे राजा के? भगीरथ, जो कि बहुत ही कठिन तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर लाए। लंबी और कठोर तपस्या के बाद वह गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए। इस प्रकार राजा भगीरथ ने अपने भस्म हुए पुरखों को तार दिया और उनकी धार्मिक क्रिया की। उसके बाद बहुत दिनों तक उन्होंने अयोध्या में राज किया। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में पार्ट तीन का सारांश लिया था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।